गुड इवनिंग एवरीवन। तो ऑल द बेस्ट इन जिनका मेंस क्लियर हो गया, बस अब एक स्टेज रह गई है आपकी इंटरव्यू की, और उसके बाद यू विल बी द हरियाणा गवर्नमेंट। तो हम लोग वेलकम करेंगे आपका हरियाणा गवर्नमेंट में, जल्दी से आओ। आप जैसे कैंडिडेट्स का हम सबको इंतजार है, ठीक है। तो सबसे मेन, मैं अभी आपको जो आज मैं टॉपिक करवाने वाली हूँ वो है प्रोसीजर एंड एटिकेट्स ऑफ इंटरव्यू, कि प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे मेन हमारे मन में क्या टेंशन रहती है कि हम वहाँ पर जाएंगे कैसे, बहुत सारी क्वेरीज आती है कि कैसे हम एंट्री करेंगे, कैसे एग्जिट करेंगे, वहाँ पर कैसा सिनेरियो होगा। तो मॉर्निंग में आपका जब एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, तो उसमें आपका मॉर्निंग और इवनिंग दो सेशन होते हैं। मॉर्निंग सेशन आपका 8 to 1 o'clock रहता है, उसके बाद 2 to 5 रहता है इवनिंग सेशन। तो उसमें आपका टाइम मेंशन होगा कि आपको इस टाइम पे रिपोर्ट करना है, तो आप उसी टाइम पे रिपोर्ट करना, HPSC पहुंच जाना। तो सबसे पहले HPSC में कैसे रहता है कि HPSC में एक सबसे जैसे आप एंट्री करोगे, चेकिंग होगी आपकी सिक्योरिटी के पास, और वहाँ पर आपकी एक हॉल होता है, आपको वहाँ पे वेटिंग एरिया पे बिठा देंगे। और जैसे जैसे हाँ एडमिट कार्ड आएंगे, मैं क्वेरीज आपकी अभी सेशन के बाद दे दूंगी, जो जो भी आपकी रहेगी। जैसे एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा अभी, ठीक है। तो जैसे ही आप एंट्री में आओगे, सबसे पहले तो आपकी सिक्योरिटी चेकिंग रहेगी, ठीक है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, सिक्योरिटी चेकिंग में मेक श्योर कि आपने कोई भी ऑर्नामेंट्स, सबसे मेन गर्ल्स के लिए कोई ऑर्नामेंट्स वेयर ना किए हो, और बिल्कुल सिंपल हो, कोई जैसे तड़क भड़क जैसी चीज़ें हो जाती है। हाँ मैरिड को अलाउड होता है कि आप बैंगल्स डाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल आपको जाना है। मैं ड्रेसिंग सेंस के लिए भी आपको बता दूंगी ड्रेस कोड वगैरह क्या होना चाहिए, अभी मैं सिर्फ प्रोसीजर पर फोकस कर रही हूँ। तो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आपको कुछ भी, आपके पास एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी पेपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिलीजियस आपने थ्रेड वगैरह है तो वो अलाउ रहता है, लेकिन समटाइम्स वो अलाउ नहीं करते, तो वहाँ ध्यान ये पर ध्यान दे रहे ना, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपके इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो एज पर इंस्ट्रक्शन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको वेटिंग एरिया में लेकर जाते हैं, दे विल आस्क यू कि आपको भी वेट करना है, और वन बाय वन आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास जो जो आपने क्वालिफिकेशन वहां पर अपनी मेंशन की है, सारी आपके पास अपनी मार्कशीट्स होनी चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, 2 to 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और इन केस अगर हरियाणा के हो तो हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए। और इन केस आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट्स है, लाइक EWS है, OBC सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट है XYZ, तो वो आपके पास होना चाहिए, और वो 23-24 का काउंट होगा। दैट मीन्स इसकी सर्टिफिकेट की जो डेट होनी चाहिए आपकी, वो 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, इस डेट के बीच में आपका सर्टिफिकेट बनना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, ठीक है। तभी भी रेड कलर ही है सर। ठीक है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट का सबसे ज्यादा आपके साथ इश्यू आता है, क्योंकि बाद में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारा सर्टिफिकेट इस डेट में था, ये था कैसे था, तो वो चीज आपको जरूर देखना। 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, और इस पे साइन देख लेना, आपकी असाइनिंग अथॉरिटी जो देखे किसने किया हुआ है, मोस्टली EWS के सर्टिफिकेट पे नायब तहसीलदार के होते हैं साइन, और EWS पे आई थिंक तहसीलदार के होते हैं। एक बार ये चेक कर लेना कि यहाँ पे जो साइनिंग अथॉरिटी है वो कौन है, और उसमें और आपके जो सर्टिफिकेट में नेम स्पेलिंग है या फादर नेम है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम स्पेलिंग है वो सेम होनी चाहिए। और एक यहाँ पर आपको लेकर जानी है आधार कार्ड की कॉपी, ठीक है।
उसके बाद तो आई थिंक डॉक्यूमेंट्स में यही रहेगा, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी वो आपकी प्रोवाइड कर देंगे। मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है कितने डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा तो हाँ, जो ओरिजिनल भी आपको लेकर जाने, और इनकी दो दो फोटोकॉपी ले जाना। एक फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, और एक किसी भी क्लास वन ऑफिसर से इसको साइन कर वो करवा लेना, अटेस्टेड करा लेना, वन अटेस्टेड एंड वन सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, और आपको फिर उसके बाद फिर अगेन फिर आपकी चेकिंग होगी। चेकिंग के बाद आपको चार पैनल है, इस टाइम चार पैनल होंगे। ठीक है, तो आपको 5 5 6 6 के ग्रुप्स में भेज देंगे, और उसके बाद आपसे टोकन यहाँ पर होता है, तो टोकन आपको मिलेगा। तो आपको जिस पैनल में आपका इंटरव्यू है तो उस पैनल के पास आपको भेज देंगे, 1 2 3 4। तो जहाँ पर भी जाओगे आप, वहाँ पे आप जाओगे, और उसके बाद आपके जैसे भी रहेगा, जो भी पैनल होगा वहाँ पर आपको वेट करने के लिए बोलेंगे, और 10 to 15 मिनट्स के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। और इंटरव्यू की जो जनरल ड्यूरेशन रहती है वो 15 to 20 मिनट्स रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोसीजर, तो ये हो गया। प्रोसीजर में इनके साथ आपको कोई डाउट है तो मुझे बता दो। मेडिकल जो होगा आपका, इसमें एक मेडिकल भी होता है, मेडिकल में भी पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। हमारे टाइम में पहले हुआ था, नेक्स्ट बैच में बाद में हुआ था, तो ये डिपेंड्स कि वो कब करवाते हैं। तो मेडिकल में आपकी कुछ चीज़ें रहती है, जैसे फिजिकल मेजरमेंट में ये पुलिस लाइन में होगा आपका, पंचकुला में। उसमें आपकी हाइट सबसे मेन हाइट मेजर होती है, जिसने भी डीएसपी के लिए अप्लाई किया होगा तो डीएसपी के लिए हाइट मैंडेटरी होती है। और गर्ल्स के लिए तो हाइट है ओनली, और बॉयज के लिए हाइट एंड चेस्ट बोथ। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड में आपका रहेगा, गर्ल्स के लिए यू कैन वेयर साड़ी और सूट। ठीक है, नो ऑर्नामेंट्स, नो बैंगल्स, नो एनीथिंग एल्स। हेयर आपको टाई करना है हाफ क्लच कर सकते हो, या फुल टाई करना है, या लूज करना है तो लूज कर सकते हो, एज पर योर विश। साड़ी में सिंपल कॉटन साड़ी यू कैन वेयर, प्रेफरेबली कि वाइट हो, ऑफ वाइट, ग्रीन, ग्रे, लाइट येलो। आई मेक श्योर कि अगर तुम साड़ी पर कोई भी बॉर्डर लेते हो, लाइक साड़ी पे कोई भी बॉर्डर है, कोई उस पर पेंटिंग है, तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, और बॉयज के लिए रहेगा सिंपल पैंट शर्ट विद टाई। ठीक है, अभी समर है तो आप ब्लेजर और ये कुछ भी हाफ जैकेट वगैरह अवॉइड कर सकते हो, सिंपल पैंट शर्ट और फॉर्मल शूज। हाँ, अगर डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन बहुत गर्मी होगी तो परेशान हो जाओगे, तो इट्स बेटर कि फॉर्म। और शर्ट का मेनली कलर क्या रहता है, जैसे या तो वाइट कलर ले लो, या लाइट स्काई कलर आता है, क्रीम शेड में आती है, ये थोड़ा प्रेफरेबल कलर्स रहते हैं। फॉर्मल शूज होने चाहिए आपके ब्लैक या ब्राउन। और गर्ल्स के लिए फुटवेयर में जो भी उनको कंफर्टेबल हो, मेक श्योर कि आपके जो शूज है वो चलते हुए वॉइस ना करे, क्योंकि हील्स का क्या रहता है, कई बार हम जैसे कोई भी हमारी शू की क्वालिटी होती है, हम जाते हैं तो बहुत आवाज करती है, तो वो वाली नॉइस नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा बैड इम्प्रेशन जाता है कि। और आपकी जो ड्रेस है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वेल प्रेस्ड होनी चाहिए, वेल आयरन होनी चाहिए, और ये उसको उस एक या दो दिन पहले ट्राई कर लेना। और गर्ल्स मेक श्योर कि हमारे टाइम पे जैसे क्या हुआ था, किसी ने जैसे जो साड़ी का पल्ला करते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, अगर आपको साड़ी वेयर नहीं करने आती है तो आप सूट ही पहनो,
उसने राइट साइड कर लिया था तो वो काफी ऑकवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम ध्यान नहीं देते हैं। साड़ी अगर आप कैरी कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज सूट कैरी करो, नो इश्यू एट ऑल, कि साड़ी ही करनी दी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। और बॉयज का तो सिंपल ये रहेगा। और अगर किसी का हेयर वाला इश्यू है कि आजकल थोड़ा सब स्टाइल करते हैं कि जैसे बालों को ऐसे रख लेते हैं स्ट्रेट टाइप में, जैसे अभी आपके हैं, तो इस चीज का रखना कि ये वाला नहीं होना चाहिए और क्लीन शेव होनी चाहिए। सॉरी, हल्की हल्की रख सकते हो इफ यू वांट, बाकी प्रेफर ये रहेगा कि क्लीन शेव करो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और ड्रेस कोड में कोई इश्यू? सिल्क में थोड़ा सा भी रहेगा, जैसे समर है अभी तो कॉटन ज्यादा प्रेफर होता है क्योंकि सिल्क में थोड़ा शाइनिंग हो जाती है, तो वो शाइनिंग वाली चीजें अवॉइड करो। क्योंकि इंटरव्यू क्या है बेसिकली, आपको जज कर रहा है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, क्योंकि आप पब्लिक अथॉरिटी बनने जा रहे हो, तो पब्लिक में यू हैव टू बी कि क्या कैसे होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी जो होती है ना सबके लिए एक आइडियलिस्टिक होती है, तो आपको उस टाइम पे कैसे बिहेव करना है वो, क्योंकि आपको बहुत लोग नोटिस करेंगे और आपको बहुत लोग फॉलो भी करेंगे, तो वो उस चीज को आपको माइंड में रखना है कि वहां पर हम ना तो कोई फैशन शो करने जा रहे हैं, ना हम कोई कुछ डिस्प्ले करने जा रहे हैं, हम वहाँ पे खुद को रखने जा रहे हैं कि दैट वी आर कैपेबल फॉर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, तो आपको वो शो करना है। सिंपल सी बात है, आप पब्लिक सर्वेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो, कि वो बहुत सिंपल होना चाहिए, उसमें नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन आती है आप उसको फाइट कर सकते हो, तो वो सब चीजें आप चाहते हो ना। अब कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर आपको कभी भी बहुत फैशन उसमें दिखता है या बहुत स्टाइलिश उसमें दिखता है, तो आप लोगों के मन में क्या आता है, जनरल सा क्वेश्चन आता है, यार ये क्या सर्विस करेगा, इसका तो इसी में ध्यान है। तो एक सिंप्लिसिटी आपको मेंटेन करनी है वहां पर, ठीक है, आपको वहां पे इंटरव्यूअर को ये कन्विंस करना है कि मैं कैपेबल हूँ इसके लिए, तो आप मुझे सेलेक्ट करो। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी जो है ना सबसे बेस्ट होती है। ड्रेस कोड को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। नॉर्मल लेगिंग्स बेटर रहती है या पैंट? मोस्ट प्रोबेबली जैसे पैंट्स या फिर लेगिंग्स सबसे बेस्ट है, अवॉइड सलवार एंड ऑल। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, रिस्ट वॉच वगैरह अवॉइड करना, ठीक है, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। सिंपल वॉच भी अलाउ नहीं, क्योंकि HPSC में वो सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट होती है, तो वो सब कुछ रिमूव करवा देते हैं। उसके बाद आता है एटिकेट्स। एटिकेट से पहले मैं आपको दो चीजें और बता देती हूँ कि आपका इंटरव्यू रूम है ये, ठीक है, और आपको भी सबसे मेन एक इशू आएगा कि हाउ टू एंटर एंड हाउ टू एग्जिट फ्रॉम द रूम। ठीक है, यहाँ पर आपका एक टेबल है, यहाँ पर आपके मेंबर्स बैठे हैं, मोस्टली 5 होंगे, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपके चेयर यहाँ पर रहेगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ बाहर वेट कर रहे हो, यहाँ पे डोर है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाओगे, यू विल आस्क कि मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर। बोर्ड का जो भी चेयरमैन होगा वो सेंटर में होगा, और इस टाइम HPSC में 2 मेल हैं एंड 2 फीमेल हैं। जो सेंटर में होगा दैट विल बी द चेयरमैन ऑफ योर बोर्ड, तो आप उनसे पूछोगे, अगर सर है तो मे आई कम इन सर, और अगर मैम है तो मे आई कम इन मैम। ठीक है, तो आप परमिशन लोगे जैसे यहाँ पर जाते हो आप, तो उसके बाद सबसे पहले आप विश करोगे अपने चेयरमैन को, अगर सर है तो गुड मॉर्निंग सर, या मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग में है तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, और 3 बजे के बाद अगर इंटरव्यू है तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी। ठीक
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज में कंफ्यूज मत होना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, कि गुड मॉर्निंग चल रहा है फिर भी आपने गुड आफ्टरनून कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे गए, सबसे पहले अगर चेयरमैन मेल है तो सबसे पहले आपको 2 से 3 विश करनी है। ठीक है, सबसे पहली विश आप करोगे चेयरमैन को, गुड मॉर्निंग सर। और अगर इन केस पैनल में आपके फीमेल मेंबर है तो सेकेंड विश यू विल कि गुड मॉर्निंग मैम, उन्हें सेपरेटली करना है फीमेल को हमेशा, उसके बाद बाकी सबको गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, नेक्स्ट अगर चेयरमैन आपकी फीमेल है तो सबसे पहले विश फीमेल को होगी गुड मॉर्निंग मैम, और अगर इन केस उस पैनल में एक और फीमेल है तो सेकेंड विश फिर उनको होगी और फिर मेल को होगी गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो आप अपनी चेयर के पास जाके यहाँ खड़े हो जाओगे, और आपको ऐसा नहीं है कि अपनी चेयर को ऐसे देख रहे हो ऐसे देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपली आप जैसे आ रहे हो मैं एंटर करके दिखाते हो, यहाँ से आप गए, मैं कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, सिंपल एक स्माइल के साथ यू हैव टू सिट लाइक स्टैंड लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद उनकी तरह स्माइल देना, दे विल आस्क यू टू सिट। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, बैठ जाना है। ठीक है, सिंपल एक हम्बलनेस होनी चाहिए आपकी वॉइस में, पोलाइटनेस होनी चाहिए और एक फेस पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। इतना भी नहीं कि वो बहुत ज्यादा आपको सोचे कि बहुत ज्यादा ये बंदा हमसे ओपन होने की कोशिश कर रहा है, एक सिंपल छोटी सी स्माइल होनी चाहिए कि आप बिल्कुल खुश है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे वो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले आपसे चेयरमैन क्वेश्चन करेंगे, 5 या 6 क्वेश्चन ये करेंगे, उसके बाद मेंबर्स करते हैं। ठीक है, तो जब आपका इंटरव्यू ओवर हो जाएगा तो जब आप बैठे हो चेयर पर तब जो चेयरमैन को दिए थैंक यू बोलोगे, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, फिर खड़े होके फिर एक बार बोलोगे थैंक यू मैम, जैसे गुड मॉर्निंग की थी, जैसे मॉर्निंग में आपने विश किया था एंट्री के टाइम पे, वैसे ही आप एग्जिट के टाइम पे थैंक यू बोलोगे और स्ट्रेट अवे बाहर चले जाओगे। जिस टाइम आप मुड़ गए और वापस जा रहे हो तब उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी टर्न नहीं करना है, क्योंकि कई बार हम नर्वसनेस में क्या करते हैं, पीछे मुड़ के देख लेते हैं कि इनका पैनल का क्या एक्सपीरियंस है, उनके एक्सप्रेशन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी रहती है, तो हम ये सोचते हैं कि एक बार देख तो ले, तो वो वाली क्यूरियोसिटी आपको नहीं रखनी है। आपको एक वेल डिसिप्लिन्ड और बिहेवियर ऐसे करना है कि सिंपल गए और उसके बाद आउट। ठीक है, उसके बाद आती है आपके एटिकेट्स। एटिकेट में सबसे मेन क्या होना चाहिए, आपकी जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए, वॉइस में कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए कि आप बफरिंग कर रहे हो काइंड ऑफ, या ऊ आ जैसे हम बात करते हुए, लैंग्वेज का एक इशू रहेगा क्योंकि लैंग्वेज में ही लैंग्वेज आती है तभी हम आ ऊ करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर सकते हो आप। पैनल आपसे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन कर रहा है आपको उसी लैंग्वेज में आंसर करना है, ये नहीं है कि पैनल हिंदी में कर रहा है और आप इंग्लिश में आंसर करो, आपको भी हिंदी में ही करना है, और अगर पैनल इंग्लिश में कर रहा है तो आपको इंग्लिश में रिप्लाई करना है, और आप मिक्स भी यूज कर सकते हो, इंग्लिश में यूज कर सकते हो। एचपीएससी में मोस्ट जो रहता है सभी इंग्लिश यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए जा सकते हो, लैंग्वेज के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि क्या होता है कभी हिंदी हमारी इतनी फ्लुएंट नहीं होती, इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं होती, लेकिन इंग्लिश सबकी अच्छी होती है तो वो प्रेफर कर सकते हो। अवॉइड जैसे बात करते हुए आई वॉन्ट टू से ये कैसे करते हैं ना, तो वो वाली चीजों को अवॉइड करना है बिल्कुल आपको। ठीक है, पिच आपकी मीडियम होनी चाहिए वॉइस की, वॉइस मॉड्यूलेशन जो है आपका, पिच इतनी हाई भी नहीं होनी चाहिए कि आप इतनी जोर से भी ना बोले कि सामने वाले को लगे चिल्ला रहा है, या इतना भी धीरे ना बोलो कि सामने वाले को से कान लगा के सुनना पड़े। आपको एक एवरेज साउंड करना है ताकि सामने वाले की कन्वर्सेशन है जो आपको अच्छी कन्वर्सेशन करनी हो, सामने वाले को कन्विंस करना है कि मैं कैपेबल हूँ, आई एम द बेस्ट, सिंपल सी बात है ये आपकी। ठीक है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। समटाइम्स हमारा नेचर क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव होता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या करते हैं, पैनल से आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाएंगे। अगर वो कह रहे कि मेरा ये है, एक बार आप बोलोगे नहीं सर एज अकॉर्डिंग टू मी या एज पर मी दिस शुड बी द आंसर, अगर नहीं है वो नहीं मान रहे हैं तो स्टिल उसके बाद से स्टार्ट सॉरी, सॉरी हम्बली यू हैव टू से सॉरी।
सर सॉरी सर, एज पर मी आंसर इज दिस, लेकिन आई विल चेक, ठीक है? और उनको आपको श्योरिटी देनी है कि अगर अभी मुझे नहीं पता है तो मैं जाके इसको चेक जरूर करूँगा, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स का क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं और उनके अंदर एक क्वालिटी होती है चेंज करने की विद टाइम और विद सिचुएशन, दे वो अडेप्टेशन है कि वो चेंज कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं एज पर सिचुएशन, ठीक है? तो इस चीज को आपको, ये आपका सॉरी कहना और जाके कि हाँ सर आई विल चेक इट या आई विल लुक इनटू इट, तो ये आपको दिखाएगा कि आप फ्लेक्सिबल हो और आप लर्न करना चाहते हो, लर्निंग एबिलिटी है आपके अंदर, ठीक है? तो आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करने हैं, वो आपको ट्राई करेंगे, वो आपको बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे, आपको तो कुछ नहीं आता, आप यहाँ क्यों आ गए, आपका मेंस का सिलेक्शन किसने कर दिया, बहुत ऐसी चीजें बोलेंगे। तो उस टाइम पे नर्वस नहीं होना है, ठीक है? उस टाइम पे ये भी नहीं कि बहुत हंसने भी लग जाओ कि उनको लगे कि हम तो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं और ये हंस रहा है सामने से, तो वो वाली चीज भी नहीं आपको करनी है, ठीक है? तो सिंपल से उस टाइम पे से सॉरी, मेरा इंटरव्यू बहुत बहुत ये बहुत नर्वसनेस थी, तो स्ट्रेस इंटरव्यू था काफी, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगी उस टाइम पे कैसे करना है। हाँ, वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं स्टार्टिंग में जाते ही कि आर यू नर्वस, तो उस टाइम पे आपको कहना है कि ठीक है हाँ सर लिटिल बिट आई एम, ये भी नहीं कहना है कि सर मैं बहुत चिल लूँ, क्योंकि अगर आप चिल कहोगे तो आपको नर्वस करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। मैंने ही गलती की थी, मैंने उनको चिल शो कर दिया था कि मैं चिल हूँ, तो मुझे नर्वस किया था फिर, ठीक है? तो ऐसा लगेगा, आपको गुस्सा भी आएगा उस टाइम पे, हम क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ पर, हमारी इतनी इंसल्ट हो रही है, लेकिन उस चीज को आपको बियर करना है, और वही सिचुएशन है कि आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है? तो एक एबिलिटी होती है हैंडल द सिचुएशन, ऐसा होगा कि आपको पैनल जो है ना बोलने ही नहीं देगा, आप आंसर करोगे आपके ऊपर क्वेश्चंस की बम्बार्डमेंट हो जाएगी। तो उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे अवॉइड की अगर वो आपको कर रहे हैं तो अगर ज्यादा अगर लग रहा है तो आपको की तो आप उन्हें कह सकते हो सर कैन आई आंसर प्लीज, जस्ट गिव मी अ 2 सेकेंड 5 सेकेंड या कुछ भी ऐसे, ठीक है? तो आपको बताना है, बम्बार्डमेंट मेनली फैक्चुअल क्वेश्चंस में होती है, फैक्चुअल क्वेश्चंस में कोई तुक्का नहीं मारना आपने, नो गेस, ठीक है? बिल्कुल गेस नहीं करना है, अगर नहीं आता तो सिंपली से सर आई डोंट नो या आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, और जब एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें आपके आपसे क्या होगा, जो भी आप आंसर करोगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट से ही होगा, आपने जो भी आंसर किया होगा उसी से आप वो क्वेश्चन बनाएंगे और उसी को फिर आपको आंसर करना है, और उसी में आपको फंसाते जाएंगे, वहाँ आर्ग्यूमेंट्स होंगे। लेकिन एनालिसिस वाले क्वेश्चन में आप नहीं कह सकते सर आई डोंट नो या आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, क्योंकि एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पता होता है, कभी ना कभी सिचुएशन सबकी लाइफ में आई होती है, ये नहीं है कि एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में ही आती है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की लाइफ में भी आती है, तो उस टाइम पे आपको कैसे आप करोगे, कोई ना कोई तो ओपिनियन होता ही है ना, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा कुछ तो होगा ना, न्यूट्रल होंगे कुछ तो होगा ना आपका ओपिनियन, तो उस टाइम पे आपको यू हैव टू आंसर, यू मस्ट हैव टू आंसर, ठीक है? उसके बाद आपका रहेगा आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसके साथ मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको उसके साथ आई कांटेक्ट करना है, लेकिन ये नहीं है कि सबके साथ करना है। अभी आप, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, मैं आप लोग सबके साथ आई कांटेक्ट कर रहे हो, लेकिन क्या है कई बार क्या होता है हम सिर्फ एक पर फोकस कर लेते हैं, उधर हमने फोकस कर लिया, ऐसा नहीं करना है। अगर उधर वाला मेंबर आपके से क्वेश्चन कर रहा है तो आपको इधर देखना है, इधर वाला कर रहा है तो सबको देखना है, तो आई कॉन्टेक्ट जो है ना ऑल मेंबर्स ऑफ पैनल, एक आपकी आती है फिर बॉडी लैंग्वेज, एक उसमें साइकेट्रिस्ट होता है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करता है,
जैसे हम बैठे हुए कईयों की आदत होती है पैर हिलाना, हाथ हिलाना, तो ये वाली चीजें होती है, तो ये वाली हैंड मूव, ये वाली चीजें अवॉइड करनी है। उससे ये शो करता है हम नर्वस हैं, फियर है मन में। कुछ भी आपकी हैबिट है ऐसी, वो आपको रूटीन में सबकी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सबकी वेरी करती है। सबको पता होता है कि हम कहाँ पे रिलाई करते हैं, कि मुझे इस बात से नर्वसनेस होती है, मैं जब मैं नर्वस होती है तो मैं ऐसे कूदता हूँ, या किसी की फेस एक्सप्रेशन ऐसे हो जाता है कि जब वो सैड होता है तो फेस पे दिखने लग जाता है, गुस्सा आता है तो सारे एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर दिखती है। तो ठीक है, वो चीजें क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपकी मैटर करेगी उस टाइम पर, ठीक है, कि इमोशंस जो है ना, आपको हर इमोशंस को उस टाइम पे हाइड करना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से नोटिस जरूर करेंगे। कभी कभी क्या होता है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, तो वो भी एक फियर होता है कि स्वेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा। उस टाइम पे दे विल ऑफर यू अ ग्लास ऑफ वाटर, तो सिंपली आप थैंक यू सर बट आई डोंट नीड इट। अगर इनके सीरियसली आपको नीड है तो आप लेना, अदरवाइज इसको अवॉइड ही करना। इट शोज कि आप नर्वस हो चुके हो, ठीक है। ये सिर्फ इंटरव्यू में वो ने आपकी नॉलेज नहीं करनी है चेक। हम जो इंटरव्यू को सभी समझते हैं ना कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट नॉलेज, इंटरव्यू इज नॉट अबाउट द नॉलेज। इंटरव्यू इज अबाउट कॉन्फिडेंस एंड हाउ यू मैनेज द कन्वर्सेशन एंड हाउ यू कन्विंस द अदर पर्सन, ठीक है। नॉलेज तो उन्होंने आपकी मेंस में चेक कर ली, प्री में उन्होंने चेक कर लिया है, मेंस में चेक कर लिया है। अब तो वो देख रहे हैं कि आप क्या हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और पर्सनैलिटी क्या होती है, आप वो चाहे आप कितना हाइड करने की ट्राई करो लेकिन वो वहां पर शो हो ही जाएगी। तो अभी से अपने अंदर इनबिल्ट करना स्टार्ट करो, इनकलकेट करो चीजों को। अब जो रूटीन में जो आप वहाँ बिहेवियर करने वाले हो ना, अपने पीयर ग्रुप के साथ हो, फैमिली के साथ हो, खुद के साथ हो, कब कहीं भी हो, वो ही एबिलिटीज, वो ही चीजें शो करो। जैसे वो करोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे। अभी आपके पास 10 डेज हैं, तो उन चीजों में जब हैबिचुअल हो जाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में इम्बाइब हो जाएगी, ठीक है। तो इम्बाइब होना क्वालिटीज का बहुत जरूरी है। हमारे मन में क्या जाता है, एक हम बड़े इल्यूजन में रहते हैं कि नहीं उस दिन हम मैनेज कर लेंगे, नहीं होता है, मैं गारंटी देती हूँ नहीं होता है मैनेज कि हाँ उस दिन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, या कोई वहां पे मैजिक नहीं होने वाला है कि आज तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे को तो हर बात पे गुस्सा आता है और उस दिन जाके मैं इतनी हम्बल बन जाऊंगी, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि उन्हें पता है आपकी पर्सनालिटी, साइकेट्रिस्ट वहां बैठा है आपको 1 मिनट में जज कर देगा, उन्हें पता है इन्हें गुस्सा आता है तो आपको एंगर दिखा देंगे, आपको पता है कि वो आप इमोशनली वीक हो तो वो चीज आपकी शो हो जाएगी। क्योंकि वहां पर आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपको फेस रीड करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं जिनसे आप नहीं हाइड कर सकते। तो अभी से आपको इस चीज का, तो अभी से ट्राई करना होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से कोई भी ऐसा साइन नहीं आना चाहिए जो आपकी नेगेटिव क्वालिटी को शो करे, ठीक है। उसके बाद आपका एक आता है, हाँ, जब भी कोई क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, तो आप आंसर करते हो। जैसे कुछ भी आया, उन्होंने, मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन किया, तो जस्ट टेक अ 1 और 2 सेकेंड पोज कि हमने पोज लिया, मैंने सोचा कोई थिंकिंग वाला है, तो थिंकिंग वाले क्वेश्चन में आपको सोचना है, फिर आपको यू हैव टू रिप्लाई, और पोजेस ले रही है, ये नहीं कि एक ही टोन में बोले जा रहे हो, सामने वाले बोर हो गए हैं। आपको अपनी कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है, इंडल्ज करना है अपनी कन्वर्सेशन में, कि आप कितना फोकस्ड हो, सामने वाले को कितना इंटरेस्ट लेकर आ रहे हो, कि सामने वाला आपसे बातें करके खुश हो जाए। मुझसे मेरे भैया है, मैंने जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया था, मैंने कहा भैया इंटरव्यू है, तो उन्होंने मुझे एक ही बात की थी, है ना, कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है, मैंने कहा हाँ जी, कहते अच्छा है, कहाँ, कौन से उसमें किया है, मैंने कहा भैया थर्ड एसी तक तो किया ही है, उस टाइम तो स्टूडेंट लाइफ थी, तो कहते अच्छा ट्रेन में बैठ के बातें की है, मैंने कहा भैया बहुत गप्पे लड़ाए हैं, कहते बस वही करना है इंटरव्यू में जाके, कहते सामने वाले को आपकी कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट आना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस से, और उस उससे आपको, अगर आप गलत भी आंसर कर रहे हो ना तो उसको भी जस्टिफाई करना है आपको, अगर रॉन्ग आंसर आपने किया है ना तो उसको भी जस्टिफाई कर दो। सिंपल सी बात है, एक बिजनेस वाले, अगर हम इकोनॉमी से लेकर चले, हमारा बिजनेस है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट हो ना वो आप सेल्फ हो, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको, आपका कंज्यूमर है ना, वो पैनल है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मेरे को मेरे पैनल को कन्विंस करना है कि अब मेरा प्रोडक्ट है उसे खरीद लो,
ये सिंपल सी थ्योरी, अगर इस चीज को आपने समझ लिया ना, आप इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे कि मैं एक प्रोडक्ट हूँ, अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरह बनाकर लेके जाना है कि मुझे तो उनको बेच के आना है, अब जैसे मर्जी करे उनको खरीदना पड़ेगा, तो वो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे आपके मन में आता है कि प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए। किसी भी सिविल सर्वेंट से आप मिले हो, अगर आपने 1-1.5 घंटा उनसे बात की, आधा पौना घंटा आपने कभी किसी पब्लिक ऑफिस को आपने विजिट किया है, या फिर आप एक्सपेक्टेशंस क्या करते हो? सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस होती है ना आपकी कि एक सिविल सर्वेंट कैसा होगा, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आप किसी से मिले हो तो उसको ऑब्जर्व किया होगा आपने, ऑब्जर्वेशन। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा ना, दैट विल बी द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। यू गॉट माई पॉइंट? सिंपल, मैंने एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया है कि आपको क्या करना है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सिंपल, आपको बहुत सोचना है क्या क्या क्वालिटीज होती है। चलो आप मेरे को कुछ बातें बताओ, एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती है आपकी सिविल सर्वेंट से? बताओ। चलो वो तो मैंने ही बताया था आपको, बिल्कुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और गुड लिसनर और कम्युनिकेशन स्किल्स इसी में ही आ जाती है आपकी। और क्या क्या होंगी और सोचो? डिसीजन मेकिंग हो गया, उसमें सब कुछ आ जाता है, डिसीजन मेकर हो गया, पोलाइटनेस के साथ हम्बलनेस आ जाती है। नो ईगो एटीट्यूड, डाउन टू अर्थ, ऑलवेज वॉन्ट्स टू लर्न समथिंग, एंथुजियास्टिक होता है हमेशा, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक। ये तो बहुत सिंपल सिंपल है, और थोड़ा सोचो, डीप डीप में सोचो, इन डेप्थ जाओ थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, इंक्लूसिविटी यहाँ आ जाएगी आपकी। यह तुम्हारा टास्क है, तुम्हें कम से कम 15-20 क्वालिटीज जो है ना, ये कलेक्ट करनी है। लीडरशिप, ठीक है, ग्रुप वर्क या टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, और 15-20 क्वालिटीज आपको लिखना है, ठीक है। और 15-20 क्वालिटीज लिख के आपको ये देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। आपने कोई भी बाप से कोई भी पूछ लिया, हाउ कैन यू शो कि अब आपसे मैं, सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूँ, व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू, ठीक है। तो आपको कुछ 5 चीजें तो बताओगे ना कि सर मेरे अंदर ये है, सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, परसिवियरेंस है सर मुझ में, आई कैन हैंडल डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड, सर मैंने टीम वर्क किया है, आपके स्कूल या कॉलेज में आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, डिसिप्लिन में अगर आप रहे हो, लीडरशिप कभी हो, या आपने कभी कोई गेम खेला हो उसमें आप हेड रहे हो, या जैसे स्कूल में सिंपल सा होता है, हम क्लास के मॉनिटर्स होते हैं,
या स्कूल के हेड गर्ल या हेड बॉय होते हैं, तो उस टाइप में कुछ होता है, तो उस टाइम पे आप बता सकते हो कि इसकी आपको बस एक या दो दो एग्जाम्पल्स होने चाहिए सामने वाले को अगर आपको बताना है, क्योंकि पूछ सकते हैं जब सिंपल जब ये क्वेश्चन आएगा कि आपको क्यों हम सेलेक्ट करें, तो उस टाइम पे ये चीजें आपकी काम आएगी, ठीक है। और जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, ये तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, ऑब्जर्वेशन क्या क्या रही है आपकी? आपकी ऑब्जर्वेशन सबसे मेन, एक सबसे मेन आपने नहीं बोला अप्रोचेबल, एक सिविल सर्वेंट मस्ट बी अप्रोचेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आपका था ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रहेगी? किसी से मिले हो आप लोग सभी? बताओ क्या ऑब्जर्व किया आपने? नहीं, मुझे ऑब्जर्व नहीं करना है, आप बाकी सबका बताओ। मेरे को भी डिसिप्लिन में आपने किस चीज में देखा? मैं तो आपसे सेकेंड टाइम आई थिंक मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ ऐसे। बस वो ही चीजें, बस आपको, अब आपको खुद समझ में आ गया, अब आपको वहां जाके क्या शो करना है, आपके बिहेवियर आपको मैंने खुद आपसे ही बता दिया, आपने खुद बताया, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, आपका बिहेवियर आप मुझे खुद बता रहे हो कि सिविल सर्वेंट का ये बिहेवियर होता है और वो ही आपको जाके शो करना है। अब कोई भी आप किसी ऑफिस में जाते हो, कोई खड़ूस सा होता है, स्माइल नहीं करता, आप क्या कहते हैं खड़ूस सा है, मैं नहीं जा रहा उसके पास, मेरा मन नहीं है, लेकिन कोई बहुत आपको वेलकमिंग होता है, स्माइल करता है, तो आप खुश होते हो ना, तो वो एक आपको सिंपल सी एक स्माइल रखनी है चेहरे पर, हमेशा कहते हैं ना खुश मिजाज रहना चाहिए, बस वही सिंपल, बिल्कुल सिंपल छोटी छोटी चीजें जो हमें रूटीन में ही हमें खुद भी अपने लाइफ में भी अडेप्ट करना चाहिए, और वो अगर आपने अपनी ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में अगर अडेप्ट किया हुआ है ना, वहां पर आपको एक ये नहीं है कि एक फेक बिहेवियर लेकर आने की जरूरत पड़ेगी, वो वहां पर ऐसे ही शो हो जाएगा। तो इन चीजों को तो मतलब इंटरव्यू क्या लाइफ में भी अडेप्ट आप कर सकते हो, ठीक है। और आपका क्या रहेगा? हाँ, सबसे मेन पैनिक नहीं करना है आपको, ये तो रामबाण है, दे विल ट्राई कि आप पैनिक कर जाओ, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाओ, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक करोगे तो गेम वहीं पर ओवर है, क्योंकि पैनिक करते ही आप कुछ ना कुछ ऐसे कर दोगे मूवमेंट्स, तो वो आपको आगे इनकेस वो हो सकता है, आपके लिए गलत हो सकता है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी सिचुएशन हो जाए दैट विल बी योर डे और यू हैव टू लीव इट, ठीक है। वो वाली एक मूवी है ना, एक मूवी है कि ये लास्ट के 60 मिनट्स है, तुमसे कोई नहीं ले सकता, ऐसे ये आपका ये इंटरव्यू का टाइम है, ये आपसे कोई नहीं ले सकता, उस टाइम पे आपको अपना बेस्ट देकर आना है कि आप बेस्ट हो, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, कुछ नहीं, वो ऐसा तो है नहीं कि आपको वहां के उठ के कोई आपको स्लैप करेगा, ठीक है ना। और अगर लेकिन आपने उस पैनिक के सिचुएशन को हैंडल कर लिया तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, तो आपको सिंपल ये करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, अपना उससे पहले पानी वानी पीकर जाना अच्छे से, इलेक्ट्रोलाइट्स समर है तो इलेक्ट्रोलाइट्स लेकर जाना, कुछ भी अगर आप मानते हो, आपका स्पिरिचुअल हो तो अपने इष्ट देवता को याद कर लेना या मम्मी पापा से, और अकेले मत जाना भी, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, किसी ना किसी को अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका, ठीक है। कुछ भी ऐसा लगे ना तो एक सेकंड के लिए एकदम से एक लॉन्ग ब्रेथ ले लेना, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करना, सामने वाले को शो नहीं होना चाहिए कि आप पैनिक हो चुके हो, बिल्कुल भी पैनिक मत करना, ये मेरी सबसे बड़ी एडवाइस रहेगी, कुछ याद रखो या ना रखो ये वाली बात जरूर याद रखना, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा खुश रहना है, अच्छा होगा जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक आता है कि हाउ टू सिट, एक और फिर रहेगा मैं बीच में बताना भूल गई आपको, जब आप बैठोगे आपके क्या होना चाहिए, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइक ऐसे नहीं ऐसे बैठे या ऐसे बैठे, कुछ भी बॉडी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर ऐसे अप होने चाहिए, और हैंड मूवमेंट अगर आप करते हो तो जैसे आदत होती है, जैसे मुझे बहुत आदत है हैंड मूवमेंट की, कि
तो हैंड मूवमेंट का क्या करना है कि आपको इतना रहना चाहिए कि आपके चेयर के जहां पर आपकी लैप है उधर तक आप हैंड मूवमेंट कर लो। ये नहीं है कि सामने वाले और सामने वाले के फेस पे और आपके बीच में आपके हैंड्स आ रहे हो, वो वाली चीज आपको नहीं करनी है। तो हैंड मूवमेंट को सबसे मेन तो अवॉइड करना। अगर नहीं अवॉइड कर पा रहे हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको इतना रखना है कि वो सामने वाले को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? तो अवॉइड हैंड मूवमेंट्स। बाकी आपकी वॉइस में हम्बलनेस होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, बिल्कुल हम्बली आपको जवाब देना है, एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए। आप सॉरी कहोगे तो बहुत हम्बली आपको सॉरी कहना है। ये नहीं है कि आप सामने वाले पर एहसान कर रहे हो सॉरी बोल के, हाँ ठीक है सर सॉरी नहीं आता, सर सॉरी सर आई विल चेक इट, सर आई विल लुक इन टू इट, सर आई विल लर्न इट। तो सिंपल सी बातें है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, सबसे मेन फीमेल मेंबर से आर्ग्यूमेंट्स मत करना, फीमेल मेंबर से आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों को गलत हो जाएगा, ठीक है? और जैसे ही आपको लगे कि मैं फंस चुका हूँ, अब मुझे आंसर्स नहीं आ रहे और वो उन्होंने मुझे अपने गेम में फंसा लिया, ठीक है, उस टाइम पे कुछ नहीं करना है, स्टार्ट सेइंग सॉरी। कुछ नहीं करना है आपने, क्योंकि उस टाइम पे जो भी आप आंसर करोगे आपसे फिर उसमें फिर क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा, फिर वो आंसर करोगे फिर क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा। तो उस टाइम पे सिंपली से सर सॉरी, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी मैम, सॉरी सर, सॉरी सर, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद आते हैं आपके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस। हम सोचते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस में हमने सॉरी कह दिया तो हम ह्यूमंस है, कंप्यूटर नहीं है, हमारी भी लर्न करने की एक लिमिट है। फैक्ट्स कितने लर्न होंगे, 100 फैक्ट्स लर्न हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। अब ये तो नहीं है कि हमें 1 लाख फैक्ट्स लर्न है, अब मुझे कुछ और फैक्ट्स पता है, आपको कुछ और फैक्ट्स पता है, मैं अब मुझे जो फैक्ट्स पता है मैं आपसे वो पूछूंगी, आपको पता नहीं है, तो उस टाइम पे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंटली आपने सॉरी बोल देना है। फैक्ट्स के बेस पे आपको कोई नहीं जज करने वाला। कुछ चीज़ें हैं जो आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें आपको फैक्ट्स नहीं लर्न होते, तो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि सर सॉरी, ठीक है? फैक्ट्स पे बिल्कुल भी कोई गैस वर्क मत करना यहाँ पे। और अगर आपने सॉरी बोल भी दिया ना, इन केस आपसे 7 to 10 फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे और आपने एक भी नहीं बताया, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए और वो आपने नहीं बताया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये नहीं बताया तो कोई इश्यू नहीं है, तो इसका बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। जैसे स्टार्टिंग में आपसे फैक्चुअल हो सकते हैं और आपने सारे फैक्चुअल एक भी नहीं आता आपको, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, पैनिक करना शुरू कर जाओगे, आपको लगेगा मैं तो ये नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया, क्या होगा क्या होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर एनालिसिस बेस में भी आप डिसीजन गलत लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी दिखेगी, ठीक है? तो आप ये वाला पार्ट गड़बड़ कर दोगे अगर फैक्ट्स के उसमें चले गए तो आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ठीक है? और अपने ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ऑप्शनल के बहुत बेसिक चीजें पूछी जाएगी। और उसके बाद आपका आता है इंट्रो। इंट्रो में यहाँ पे विदाउट रिवीलिंग योर नेम एंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में क्या आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट नेम, और कोई आउटसाइडर है तो स्टेट नेम, ठीक है? आपको कुछ से नहीं बताना है, आप अपनी अपना इंट्रो सिंपल स्टार्ट कर सकते हो एजुकेशन से, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कहाँ से किए, स्कूल का नाम बता दो, स्कूल नेम यू कैन मेंशन, डिस्ट्रिक्ट नेम अवॉइड। अगर इनकेस वो पूछे कहाँ से किए तो बता देना, और अगर यहाँ पे अपना पूछे कि फ्रॉम वेयर यू आर तो वहां पे बोल देना सर आई एम नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज इट, अगर इनकेस स्टिल वो पूछे तो बता देना, ठीक है? हाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो बता दो, इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो, अपनी हॉबीज ऐड कर सकते हो, ठीक है? को एक या दो हॉबीज कर लेना, ज्यादा हॉबीज मत लिखना, हॉबीज वो करना जिस पे अगर आपको क्वेश्चंस हो जाएं तो आप आंसर कर सको, ऐसी हॉबीज में डाल देना कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए मैंने तो सर ये वाली हॉबी डाल दी, सर मैं तो बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं क्रिकेटर हूँ, सर पूछेंगे कब खेला था क्रिकेटर, कोई स्टेट लेवल पर गए हो, नेशनल लेवल पर गए हो, नहीं गए सर बस गली में खेला है, तो कहाँ से क्रिकेटर हुए हैं, ठीक है ना? तो ऐसी हॉबीज मत करना,
जैसे गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा क्या होता है, कुकिंग का। तो कुकिंग में आपसे डिफरेंट स्पाइसेस पूछ लेंगे, डिफरेंट शेफ नेम पूछ लेंगे, या डिफरेंट एरिया का कुछ पूछ लेंगे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, अच्छा ये डिश कैसे, तो उसमें आप फंस जाओगे। तो सिंपल कुकिंग को अवॉइड करना। जैसे मेरा था, मेरा पोइट्री था, ठीक है, तो मैंने जैसे पोइट्री बोला जैसे मॉक में अपने, तो पोइट्री से तो बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर बाद में मुझे खुद मॉडिफाई करना पड़ा। मेरा है राइटिंग पोइट्री, तो राइटिंग पोइट्री में तो मैं आप सिंपल कह सकते हो ना सर, मुझे लिखना पसंद है, बाकी मुझे ज़्यादा किसी का इतना नहीं पता, खुद से पसंद है बस। तो कुछ ऐसा ही आपको सेफ लेना है कि जिसमें आप अपनी हॉबीज में क्वेश्चंस में ना फंसो। या अगर आप फिर इसमें और क्या ऐड कर सकते हो एजुकेशनल में, या आप NSS या NCC के मेंबर रहे हो, कॉलेज टाइम में यूजुअली हम करते ही हैं, तो NSC NCC के रहे हो तो इनके रिगार्डिंग थोड़ा पढ़ लेना, इनके मोटो पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में एक जैसे ऑप्शनल मेंशन कर सकते हो कि ऑप्शनल क्या है, ठीक है। वैसे मोस्टली उन्हें ऑप्शनल आपका पता होता है, आप ऑप्शनल बता सकते हो, मेरा ये ऑप्शनल है। सेकंड, व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। सिविल सर्वेंट का कुछ एक एक या दो लाइन आप इंट्रो में, अगर आपको दिख रहा है कि सिर्फ क्वालिफिकेशन मेरे पास है नहीं ज्यादा, ग्रेजुएशन तक ही है, हॉबीज भी मैं मेंशन नहीं कर, NSS NCC भी नहीं है कुछ, ये सब मैं कर नहीं रहा, तो मैं ये मेंशन कर देता हूँ, व्हाई आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। या कुछ अपनी कोई एक क्वालिटी है वो ऐड कर देना, हाँ इंट्रो में। इंट्रो आपको आपको मतलब 2 मिनट तक का, 1 to 2 मिनट, ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, 4 to 5 लाइन्स होनी चाहिए। और ये कोई कंपलसरी नहीं कि आपका इंटरव्यू जो है ना इंट्रो से स्टार्ट होगा, मुझसे इंट्रो नहीं पूछा गया था, मेरा सिंपल जाते ही आपसे क्वेश्चंस की बॉम्बार्डमेंट हो जाएगी। हाँ एक जैसे क्या होता है, जब आपको टोकन नंबर मिलेगा ना, तो आपके टोकन नंबर पे एक नंबर होगा, जैसे मेरा 911 था, ठीक है, तो 911 से ना अब सोच के देखो माइंड में क्या आ रहा है, हाँ और क्या क्या याद आ रहा है, तुम वुमेन हो तुम्हें क्या याद आ रहा है, वुमेन से रिलेटेड भी है ये नंबर, हाँ हेल्पलाइन नंबर, US में भी है। तो ऐसे आपको जो टोकन नंबर देंगे ना, तो कुछ अगर यूनिक सा टोकन नंबर होगा ना, तो उसे भी क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। और उस दिन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाना, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का न्यूज़पेपर एडिटोरियल जरूर देख लेना, हाँ। तो न्यूज़पेपर ले जाना ना मॉर्निंग में, आपके फोन तो सबमिट हो जाएंगे, तो आप एक काम करना, न्यूज़पेपर मॉर्निंग में मिल ही जाता है 7 बजे तक, यहाँ हरियाणा में वो क्या कहते हैं पंचकुला मिल जाते हैं न्यूज़पेपर, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम होता है, जिस टाइम आप वेटिंग एरिया में बैठोगे ना, तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा कि, तो आप कर सकते हो, तो उस टाइम पे ग्रेडिंग दे देना न्यूज़पेपर की, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उस टाइम पे, ठीक है। कोई भी नई डेवलपमेंट हुई हो, नई कुछ भी हुआ है ना, तो उससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। अभी जैसे हीट वेव का है, हीट वेव से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इलेक्शन है, इलेक्शन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले ही अपने फ्रेम करके रखना कि क्या क्या हो सकता है उस टाइम पे, जो भी हॉट टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद तो आई थिंक मेरी तरफ से तो दैट्स ऑल, अगर इनके साथ का कोई क्वेश्चन है तो बता दो। स्ट्रेस क्वेश्चन जैसे क्या रहेगा, स्ट्रेस क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपसे बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन पूछ लेंगे, स्ट्रेस क्वेश्चन मेनली यही रहता है, आपने कोई भी आंसर किया, ठीक है, उस आंसर से बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे वो, ठीक है, फिर आप इसको जस्टिफाई करने के लिए आप फिर आंसर करोगे, फिर इससे और डेप्थ में चले जाएंगे। या एक तो ये वाला प्रोसीजर होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप बोलो ना उसको सोच समझ के बोलना है आपने, कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू नहीं देना है आपको, कोई पॉलिटिकल नहीं देना है, कोई रिलीजियस वो नहीं देना है, तो इस टाइप से चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि सिविल सर्वेंट क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग ये क्या करेंगे,
आपने आंसर दिया कुछ भी, ये कहेंगे तो गलत है, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है, आपको तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपके मन में तो ये आएगा मैं तो इसे जस्टिफाई भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तो पता है ये ठीक है लेकिन ये कह रहे गलत है। तो उस टाइम पे आपको वही कहना है, सर एज पर मी दिस, लेकिन अगर स्टिल सर माइट बी यू आर राइट तो मैं फिर इसको चेक कर लेती हूँ। लेकिन स्टिल वो फिर आर्ग्यूमेंट्स में फंस, फिर वो फिर क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये ऐसा ही है, आप गलत कह रहे हो, वो होता है स्ट्रेस इंटरव्यू, तो वो वहां पे आपको फंसाएंगे। तो उस टाइम पे आपको अवॉइड करना है और सॉरी कहना है, ठीक है, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। जैसे एक सिंपल सा होता है, हम किसी से नॉर्मल कन्वर्सेशन रूटीन में भी करते हैं, जब किसी को हमें गुस्सा दिलाना हो तो क्या करता है, कुछ एक्सट्रीम चीजें तो नहीं करता ना, ये कि हमें स्लैप कर रहा है या हमें अब्यूज कर रहा है, ये सब कुछ तो नहीं करता। उन्हें पता चल जाता है कि इसको कैसे गुस्सा आएगा, वो ट्रिगर करता है हमें, बस वो ही यहाँ पर पैनल में होगा, ट्रिगर आपको करेंगे। और बहुत रेयर होता है ये, आपको बहुत थोड़ा सा उन्हें नर्वसनेस शो करनी है, लिटिल बिट नर्वसनेस जो है ना अच्छी होती है, ठीक है, कि हाँ आपके अंदर एक फियर है, आप वैल्यू कर रहे हो इस जॉब को। बाकी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने आपने, आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर ना थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और, कोई बात नहीं, साथ के साथ हिंदी शुरू कर दो, इंग्लिश शुरू कर दो, प्रॉपर हिंदी मत करो ना शुरू, इंग्लिश में चले जाओ सामने वाले को, लेकिन ये फील नहीं होना चाहिए। हाँ बायलिंगुअल कर लो ना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो ना फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी वॉइस में, लाइक ब्रेक नहीं फील होना चाहिए सामने वाले को, कि पैनल को आपको ये नहीं शो होना चाहिए कि आप स्विच कर गए, उन्हें लगना चाहिए कि इनकी यूजुअल हैबिट है, फ्लुएंसी है लैंग्वेज में। वो आपकी कैसे बिल्टअप होगी, वो आपको सिंपल क्या करना है, रूटीन में जिस भी लैंग्वेज में आपको अपने इंटरव्यू रखना है ना, उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश को, कोई भी आता है सबसे इंग्लिश में बात करो, ठीक है। कोई हिंदी में देना चाहता है, टोटली टाइम कोई भी मिल रहा है पूरे दिन में, हम बहुत लोगों से मिलते हैं, हिंदी में बात करो, इंग्लिश में तो इंग्लिश में करो, फिर उसके बाद मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ, ठीक है, मिरर में आधा घंटा 1 घंटा डेली की प्रैक्टिस करो, 15 मिनट तो डेली की प्रैक्टिस करनी है आपने। और मेक श्योर कि आपका जब आप इंट्रो दोगे ना, इंटरव्यू में ब्रेक नहीं होनी चाहिए कि, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है वो जो हमसे जुड़ा है, जो हमें ना इम्बाइब होना चाहिए, हमें पता है अपने बारे में, उसमें आपके ब्रेक नहीं आना चाहिए कि सर मैं आई हैव डन माई ट्रेंड फ्रॉम दिस, ऐसे कर दिया, और ये क्या, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मुझे यही नहीं पता मैंने अपने 10th कहाँ से की है, सर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस, कॉलेज ही नहीं याद आ रहा है, सर माई हॉबीज आर सर, ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल है, अपने बारे में तो जानते ही है ना, तो ये चीजों को अवॉइड करना है, ठीक है। एक दिन पहले ऑनलाइन आओ मेरे फिर आपको आराम से बताऊंगा, आप एक बार बता दीजिए किसी को, ये ना मैम से कोई क्वेश्चन है किसी को तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है। कोई क्वेश्चन मैम से पूछना है, दोनों हाथ आगे फोल्ड करके रखने हैं ऐसे। हाँ वो आपको सेटिंग आपकी ऐसे रहेगी, जैसे अगर आप बैठे हो, सर कैमरा आ रहा है, ये देखो आप जैसे नहीं आ रहा, सर पीछे जाके आएगा उसमें आ जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लिया, जैसे आप बैठे हो अपने लैप पे, या तो ऐसे रख सकते हो या ऐसे करके बैठ सकते हो, ठीक है, या तो अपने लैप पे आपको ऐसे बैठना है या ऐसे हाथ करके, ठीक है, हाँ या ऐसे स्ट्रेट बैठ जाओ, और पीछे से आपके बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, या फिर आप ऐसे करके बैठ सकते हो, लेकिन ऐसे ऐसे मत करना अपने हाथों को, या एक उंगली आपकी ऐसे ऐसे कर रही है, एक फिंगर ऐसे मूव कर रही है, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए, सिंपल, और या फिर ऐसे, ठीक है। लड़कियों के लिए वैसे बेस्ट पोजिशन ये वाली, हाथ दोनों हैंड्स को ऐसे रहती है, और बॉयज के लिए ऐसे रहती है, बाकी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। जो भी अगर वो पूछते हैं तो आपको मेंशन करना है,
जो जो वो आपसे पूछेंगे, अगर वो यूपीएससी अटेम्प्ट पूछते हैं या यूपीएससी इंटरव्यू पूछते हैं कि आपने दिया है, तो हाँ बता दो। और अगर ऐसा है, हाँ वो आपसे ये भी पूछे, अगर ये पूछे कि अटेम्प्ट अभी बचे, और अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज में हम आपको सिलेक्ट कर लेते हैं एचसीएस में, और आप यूपीएससी में जाना चाहोगे, तब झूठ नहीं बोलना। तो उस टाइप के भी कुछ उन आंसर्स को भी आपने बनाओ को कर देखना है कि उस टाइम पे मुझे क्या आंसर करना है। ये नहीं है कि वहां पे बोल दे नहीं सर नहीं जाएंगे, ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। और विश करते हुए थोड़ा कैसा, थोड़ा आगे, विश करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे आगे झुकना है क्या? मैं ऐसे करते हुए नहीं नहीं ऐसी कोई नीड नहीं है, सिंपल गुड मॉर्निंग में गर्दन हिला दो। आप अपनी नेक से ऐसे कर सकते हो, नेक मूवमेंट रख सकते हो, ऐसे नहीं झुकना। आप किसी को ये थोड़ी है कि सलामी दे रहे हो। से ड्रेस करता हूँ एक बार, क्योंकि समर में फॉर्मल कोट पहन कैसे पहनूं। सर बताया ड्रेस का, तो मैंने ड्रेस का बता दिए, कोट रहने देना और सिंपल पेंट शर्ट आपकी ठीक रहेगी। व्हाइट शर्ट बेटर रहती है, थोड़ा अच्छा ग्रेस आता है, ग्रेस आता है लाइट स्काई बैटर प्लस स्काई ब्लू अच्छी लगती सर, लाइट स्काई ना, बिल्कुल है। वो हाँ व्हाइट जैसी लगती है, ऑफ व्हाइट ही, तो कई तो बार प्रेफर इसके करते साथ आप हैं, अपनी ब्लू पैंट हो जाएगी, ब्लैक या के ब्लैक या साथ ब्लू। व्हाइट पैंट, हाँ व्हाइट ब्लैक या ब्लू शर्ट पैंट। या ब्लैक पैंट। शूज प्रेफर करना ब्लैक के लिए, लेकिन किसी किसी को होता है कि ब्राउन पहनना है तो ब्राउन भी कर सकते हो। कॉलेज में ब्राउन वो वाला नहीं होना चाहिए बिल्कुल, वो सर जो बहुत वैसा ब्राउन होता है ना, जो थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं होता, ब्लैक ज्यादा अच्छा रहता है। कॉलेज का नाम मेंशन कर सकता हाँ हूँ, बिल्कुल, विश करते हैं आगे बढ़ाओ। कॉलेज का टाइम, कॉलेज का नेम मेंशन कर सकते हो आप। मैम रिगार्डिंग अवर पास वर्क एक्सपीरियंस हाउ मच ब्रीफ वी शुड बी इन अवर इंट्रो। अगर आपने, आपके पास कोई ने, आपने कोई जॉब की है, अगर आप उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस हो जाए, उन्हें टैकल कर सकते हो, फिर तो आप मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपके उस फील्ड से रिगार्डिंग अगर क्वेश्चंस हो गए और आपने नहीं बता पाए, तो फिर आप अवॉइड करना। आप उतनी ही इंफॉर्मेशन वहाँ पे रिवील करना जिसको आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। अगर आपने कुछ भी किया है ना पास्ट में, कुछ भी, आपका एक एक वर्ड वहाँ पे मेंशन करेगा। आपने कोई भी एक ऐसा वर्ड बोल दिया और उसको आप फिर उसके बाद उसको जस्टिफाई ही नहीं कर पाए, तो फिर क्या फायदा? ठीक है, आई थिंक ऑनलाइन वालों को मैम ने ले लिया है ना, तो काफ़ी टाइम आपका हो गया क्या मैम था? का भी, और उसके बाद फिर जो भी डाउट होंगे मेरे को मैसेज कर देना, मैं हाँ पूछ तो लूँगा मैम हिंदी से में आपसे। दे, ठीक है, ऑनलाइन का भी सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो नमस्कार सर। नहीं नहीं बस नमस्कार सर, नमस्कार, कोई बात नहीं, इतना मैटर करता ही नहीं इतनी चीजें, ये कोई वो नहीं है। हाँ लेकिन जैसे आ, आ, मान्य से याद आया मुझे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, सीएम हो गया, गवर्नर होगा, जो ऐसे इनके इनका नाम जब भी लोगे ऐसे नहीं, ऑनरेबल या हिंदी में माननीय है, ठीक है, कभी भी ऐसे मत बोलना, वो तुम्हारे छोटे बहन भाई थोड़ी ना, या ऐसे नहीं है। तो किसी भी सीनियर का, आप किसी भी सीनियर अथॉरिटी का आप नाम ले रहे हो तो विद रिस्पेक्ट, ठीक है। सिंपल आपसे चेयरपर्सन पूछ लिए तो वहाँ पे आप श्री या श्रीमती या मिस्टर मिसेज कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। श्री श्रीमती सबसे बेस्ट रहता है। मिनिस्टर्स के नाम पूछेंगे अगर कैबिनेट है तो अकॉर्डिंग उनको, तो उनके अकॉर्डिंग उनको उतना ड्यू रिगार्ड्स देना है। वो चीज़ आपकी देखते हैं कि आप कितने अटेंटिव हो, ये नहीं है। महोदय महोदय हाँ हाँ इस टाइप से महोदय महोदय आप जो भी है आप यूज करना चाहो अभी ये कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका तो सर एंड करें, ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और इन केस कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो सर को बोल देना, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझे बता देना, ठीक है।